यहाँ देखिए, ये केले जो पकने पर जो ब्लैक कलर के हो जाते हैं, ये देखिए ये बिल्कुल पक गए हैं, बहुत ही खुशबूदार ये बीज निकलेगा। ये देखिए काले काले बीज। गुड मॉर्निंग दोस्तों एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो अभी अभी सुबह सोके उठे हुए, काफी देर हो चुका है, फ्रेश अप भी हो गए हैं, लेकिन ब्रेकफास्ट की तैयारी करनी पड़ेगी। तो अभी जा रहे हैं मैं और जेरी सब्जियां कलेक्ट करने के लिए। वैसे घर पे सब्जियां खत्म हो गई है, अपने जो भी आसपास में होते हैं ना, यहाँ पे थोड़े से बैंगन ना ड्राई फिश यहाँ पे भिगो के रखे हैं पकाने के लिए। तो अभी हम लोग जाएंगे हमारे बगीचे में, बगीचे में कुछ क्या कहते हैं उसे यार, हम जंगली सब्जी ना, तो वो तोड़ के लाएंगे मैं और जेरी। और बुज्जे यहाँ पे सुबह सुबह रेस्ट कर रहा है। बुज्जे गुड मॉर्निंग, रेस्ट करो बुज्जे, चलो हम लोग। और यहाँ पे फूल देखो ना, फूल इतने खूबसूरत से ना, ये देखो अच्छे से लगाना पड़ेगा ना उस साइड में। फिर हमारे बगीचे में जा रहे हैं और जेरी को देखो ना, टोकरी कैसे लिया, बिल्कुल चाइनीज लग रही है, चाइनीज। ये है अपना जंगली सब्जी का प्लांट, ये देखिए सब्जी, इसे खाते हैं हम, अपने लैंग्वेज में कहते हैं मीदे बेगोल। ये ले लो। यहाँ पे देखिए दोस्तों एक केले का पेड़ है, ये अलग ही वैरायटी का केले होते हैं और उसके केले के अंदर में पूरा मतलब बीज होते हैं। तो वहाँ पे केले का जो भी है, केले पक गए, वो देखिए येल्लो येल्लो हो गए है ना, तो अभी इसे काट के उठा के लेके जाना पड़ेगा मुझे। तो क्या करेंगे हम, अपने पास तो बड़ा वाला तलवार नहीं है, मैं इसी चाकू से ना बियर ग्रिल्स लाइफ इन जंगल वाला सीरीज का तरह से, मैं मैन वर्सेस वाइल्ड की तरह से ना, इतने बड़े पेड़ को जो है इसी चाकू से गिराऊंगा। अभी देखिए आप लोग तकनीक। ओ बाप रे, ऐसे खा दो भी। ये है तकनीक। इसका सब्जी भी बना सकते हैं। धीरे धीरे शायद गिर रहा है पेड़, हिल रहा है। और काटना पड़ेगा। ओ वाओ, गिर रहा है। एक चाकू का कमाल, कितने बड़े पेड़ को गिरा दिया मैंने। यहीं चीतियां, बाप रे केलों पे, ये देखो बाप रे, चीतियां ये देख रहे हो। वाह, इसे तो अभी नहीं ले जा सकते, यहीं पे छोड़ना पड़ेगा, ये चीतियों को भगाना पड़ेगा ना पहले। अभी ना इसे निकालता हूँ, चीतियों को भागने देते हैं ना पहले। जंगली बनाना, हाँ ये वाइल्ड बनाना है। ये देखिए पक गए हैं, इधर इधर देखो पूरा ब्लैक हो गए हैं। बाप रे चीतियां, ए चीतियां हो जाएगा, ऐसे रख दो, ऐसे रहने देते हैं ना। अभी हम घर पहुंच गए हैं और जेरी यहाँ पे सब्जियां सफा करेगी अभी, और सब्जियां सफा होने के बाद पकाएंगे, उसके बाद खाएंगे। तो अभी ब्रेकफास्ट करने का टाइम आ चुका है दोस्तों। यहाँ पे जो सब्जी हम लोग तोड़ के लाए थे वो वाला सब्जी, एंड यहाँ पे बीन की सब्जी। एक्चुअली जो है मम्मी लोग वो लोग खा चुके हैं, अभी केवल लास्ट में हम, मैं और जेरी ही बचे हैं, तो हम खा रहे हैं अभी। अभी दोपहर का वक्त है दोस्तों, तो आज का वीडियो अपलोड होने में काफ़ी टाइम लग गया था, तो उसका वजह से मैं रात भर नहीं सो पाया एडिटिंग वगैरह करने में ना, और मेरा फ़ोन में स्पेस वगैरह भी बहुत कम है, तो उसका वजह से बहुत परेशानी हुई ना। मैंने फाइल इधर उधर ट्रांसफ़र किया जेरी के फ़ोन में, उसके बाद फाइनली एडिट किया, तो उसका वजह से नहीं सो पाया था। तो दिन में थोड़ा सा मैंने सोया 2-3 घंटे तक, तो अभी फाइनली अभी उठ गया हूँ और फ्रेश अप भी हो चुका हूँ। लेकिन घर पर कोई भी नहीं है अभी ना, मम्मी और मंजिता गए ट्यूशन पे, जेरी और दीदी गए हैं वो लोग मतलब स्नेल पकड़ने के ना, वो रिवर स्नेल। तो आज हम लोग शाम को फिर से रिवर स्नेल की सब्जी खाएंगे। तो फिलहाल जो मैंने सुबह में काट के रखा था ना, वो क्या कहते हैं अपना जो केले ना, जिसमें चीतिया वगैरह थे, तो मैं अभी वो लाऊंगा। अभी अब तक तो चीतिया भी भाग गए होंगे और केले भी अच्छी तरीके से पक गए होंगे। घर को अभी पूरा अच्छे से लॉक कर दिया, मतलब पूरा तो लॉक नहीं करूंगा, बस अभी थोड़ी दूरी पर ना, फिर भी घर को लॉक करके जाना चाहिए सेफ्टी के लिए। अभी चाहता हूँ मैं जो भी केले वगैरह है वो लाऊंगा। एक्चुअली सिर्फ वही नहीं, और भी केले पक गए होंगे, तो मैं जितने
जितने भी है ना सभी मतलब काट के लेके आऊंगा आज घर पे। हाँ देखिए सुपारी के प्लांट कैसे उग गए। एक्चुअली हम लोग सुपारी यहाँ पे रखे थे तो ये लगाने का टाइम ही नहीं मिला, हम इतने बिजी रहते हैं तो यही पे उग गए। तो यहाँ से हम लोग प्लांटेशन करना पड़ेगा हमें यहाँ से निकाल के ना। तो फिलहाल चलता हूँ मैं, और यहाँ पे पूरा एरिया पे मैंने सुपारी का प्लांटेशन किया हुआ है। यहाँ देखिए अच्छे से उग रहे हैं, यहाँ पे दवाई मार दिया है ये घास उसको मतलब ये मारने के लिए ना। तो अभी अच्छे से उग रहे हैं ये फ्यूचर के लिए। अपना फ्यूचर भी सिक्योर करना है, सिर्फ यूट्यूब के भरोसे भी नहीं रह सकते। यूट्यूब का कोई भरोसा नहीं है, कल को अगर व्यूज कम हुए तो इनकम कम होगी, तो बाद में फ्यूचर के लिए मतलब एक तरह से सिक्योर करना बनता है ना। एक दिन हमारे भी बच्चे होंगे तो उनका फ्यूचर तो इसी से हो जाएगा, क्योंकि ये मतलब अगले 30-40 सालों तक तो ये जो सुपारी है ना ये फल देते रहेंगे और पैसे भी देते रहेंगे। ये वाला देख सकते हैं आप लोग, ऊंचे ऊंचे वाले है ना। ये वाला जो है हमारे पिताजी जब जिंदा थे तो मेरे पिताजी मतलब ये लगा के गए थे, तो वो सबसे जो है अभी अच्छा खासा इनकम होती है, साल में मतलब हमारा खर्चा निकल जाता है। तो ऐसे ही हमारे बेटे भी मतलब एक दिन जब हम भी कोई अगर पहचान कमा नहीं पाते हैं तो अपने जो सुपारी के प्लांटेशन है तो उसके वजह से अच्छे से जीवन बिता पाएंगे ना। तो इसीलिए तो चलता हूँ, अभी काफ़ी जंगल हो रखी है। पहले जो है हमारा घर इधर ही में था, हमारा घर यह है हम लोग का एक फ्रूट का पेड़, ये जो है स्टार फ्रूट है, इसमें स्टार फ्रूट लगे हैं लेकिन अभी ठीक से पके नहीं है। आप लोग को दिखाता हूँ, यहाँ देखिए स्टार फ्रूट ना अभी ठीक से पके नहीं है और पकने के लिए लगभग लगेंगे 20 दिन ना। उसके बाद मैं आप लोग को दिखाऊंगा हम लोग कैसे खाते हैं इसकी चटनी वटनी बना के ना, वो भी ड्राई फिश के साथ, अपना फेवरेट वाला ड्राई फिश। ए यहाँ पे था अपना घर पहले में ना, अपना पुराना वाला घर, काफ़ी मिस करता हूँ। यही वाले घर से मैंने जो है अपना यूट्यूब की जर्नी शुरू की थी, तो बहुत मिस करता हूँ ये वाले घर को ना। और मेरे पिताजी का भी यहीं पे डेथ हुआ था तो बहुत मिस करते हैं इस वाले घर को, पर क्या करें, बम्बू वाला घर था, हमेशा के लिए परमानेंट वाला नहीं था तो छोड़ के जाना पड़ा दूसरी जगह पे ना, क्या करें नसीब। फ्यूचर में देखते हैं अच्छा घर बना पाते हैं कि नहीं। और मेरे केले यहाँ पे है, यहाँ से सब्जी हम लोग तोड़ के लेके गए थे। वाह केले पक गए हैं दोस्तों, ये देखिए, और यहाँ पे चिड़ियों ने खा दिया है। और ये केले जो है अलग ही वैरायटी के है, मैं आपको दिखाता हूँ कैसे। बाप रे, हाँ ये निकल गया, अभी भी है देखिए चीतियाँ, इसमें चीतियाँ अभी भी है। इसे फेंक के आप लोग को दिखाता हूँ कैसे मतलब इसे खाते हैं। एक्चुअली इसके अंदर बीज होते हैं, बहुत सारे बीज होते हैं ना, ये केला अलग ही वैरायटी, बिल्कुल जंगली है ये देखिए। और इसके जो छिलके होते हैं इसे भी पका के खाते हैं हम लोग। और कल इसे मैंने केवल चाकू से काटा था, देखिए बहुत मेहनत से काटा मैंने इसे केवल चाकू से। तो छिलते वक्त भी आप लोग को दिखाना है, दांत से छिलूंगा अभी, आप लोग देखिए बहुत ही खुशबूदार है ये देखिए। ये केले कुछ इस प्रकार का है, आप लोग को बीज नहीं दिख रहा होगा अभी, लेकिन जैसे ही मैं काटूंगा अभी इसमें बीज निकलेंगे। ये देखिए काले काले बीज, उसे ऐसे खाना पड़ता है। और बीज को ऐसे फेंकना पड़ता है, ये देखिए काले काले बीज, बहुत ही स्वीट है ना, ये एक्स्ट्रा स्वीट होते हैं ये, बिल्कुल शहद की तरह ना, हनी बिल्कुल मधु की तरह स्वीट होते हैं ये। ये देखिए केले के बीज, अरे बाप रे ये चीटियां अभी तक भागे नहीं यार, कब तक रहेंगे ये। बाप रे इतने सारे चीटियां देखिए। और यहाँ देखिए ये केले जो पकने पर जो है ब्लैक कलर के हो जाते हैं, ये देखिए ये बिल्कुल पक गए हैं, लेकिन चीटियों की वजह से आज भी नहीं ले जा पाऊंगा लगता है मुझे। इसे रखेंगे थोड़ी देर, चीटियों को भगाते हैं, कोशिश करते हैं अगर ले जा पाते हैं तो लेके जाएंगे, वरना यहीं पे छोड़ना पड़ेगा। एक और खाता हूँ यार, बहुत ही मीठे है ये देखिए, एक तोड़ने पर कितने सारे निकल आते हैं, बिल्कुल ब्लैक कलर में पकते हैं ये। बहुत सारे केले खा लिए हूँ, बहुत दिनों बाद खाने मिल रहे हैं ऐसे वैरायटी वाले केले। तो अभी और भी है यहाँ पे, बहुत पक गए हैं तो वो बर्बाद हो जाएंगे, उसे काट के रखता हूँ। अगर चीतियाँ नहीं होंगे तो लेके जाऊंगा, अगर चीतियाँ होंगे तो यहीं पे छोड़ के जाऊंगा। यहाँ देखिए दोस्तों, यहाँ पे है केले का पेड़ और ये वाले पक के हो गए है तैयार, पूरी चिड़ियों ने खा दिया इसको ना। तो मेरे हिसाब से इसे जो है इसे छोड़ने से ठीक होगा, कुछ चिड़ियों को भी खाने के लिए छोड़ देते हैं ना, बेचारे उन्हें भी खाने के लिए तो कुछ तो चाहिए ना, तो हमारे पास तो खाने के लिए अवेलेबल है। तो वैसे भी ये खराब हो रहा है तो चिड़ियों के लिए मतलब छोड़ने से सही रहेगा। वहाँ देखिए चिड़ियों ने खा दिया है, तो इसे छोड़ देते हैं चिड़ियों के लिए।
हाँ आया हूँ। देखिए ना ये किस प्रकार का प्लांट है, देखिए बिल्कुल अलग सा ही नजारा है, देख सकते हैं आप लोग। यहाँ पे जो सीड वगैरह है ये ना पूरा अलग सा, मतलब धुंधला धुंधला सा नजर आ रहा है ना आपको, देखिए पूरा ग्रीन ना। और केले के पेड़ तो यहाँ पे भंडार है भाई, यहाँ पे एक है केले, केले का जो भंडार है, और वहां पे एक है, यहाँ एक है, वो भी पक गए, पूरे पक गए हैं, अभी पकने का सीजन आ गया ना, वो वाले भी पक गए, वहां पे दो है वो भी पक गए हैं। तो मेरे हिसाब से इन्हें छोड़ ही देते हैं चिड़ियों के लिए, वैसे ज़्यादा खाते नहीं है, तो वो जो काट के रखा हो ना जिसमें चीटियाँ वगैरह हैं वो साइज में भी बड़े हैं, तो उसे ही लेके जाऊंगा, इन्हें छोड़ देते हैं, चिड़िये वगैरह चमगादड़ वगैरह खाएंगे, उनके लिए भी भोजन हो जाएगा। तो इन्हें अभी मुझे लेके जाना होगा अपने कंधे पे उठा के ना, चीटियाँ वगैरह है लेकिन ये चीटियाँ थोड़े से फ्रेंडली लग रहे हैं, काटते नहीं है मुझे, तो लेके जाता हूँ अभी घर पे। अरे जैसे ही कंधे पे उठाया भाई चिड़िये सॉरी चीतियाँ ये देखिए पूरे चीतियाँ लग गए, बस काट नहीं रहे, बस गुदगुदी हो रही है मुझे। तो इन्हें लेके जा रहा हूँ, बीच बीच में रोक रोक के जाना पड़ रहा है चीतियों की वजह से। और यहाँ पे मुझे कुछ सब्जियाँ दिखे हैं, तो कुछ सब्जियाँ तोड़ के लेके जाता हूँ शाम को खाने के लिए डिनर में। ये जो पत्ते हैं ना, दिस इज कॉल अकरखरा लिप्स इन इंग्लिश, हिंदी में पता नहीं क्या कहते हैं, हम अपने लैंग्वेज में कहते हैं उजोन साक। तो ये खाते कच्चे कच्चे खाऊंगा ड्राई फिश के चटनी के साथ शाम को डिनर में। ये देखिए अकरकरा लिप्स इन इंग्लिश। घर पहुंच गया मैं, केलों को जैसे तैसे ला दिया, और मम्मी और मंजिता भी ट्यूशन से पहुंच गए हैं, और मैंने सब्जियों को यहाँ पॉकेट में डाल के लाया। तो अभी सब्जियों को रखूंगा, उसके बाद जाऊंगा मैं भी स्नेल पकड़ने, जरी लोग को सरप्राइज विजिट दूंगा ना। मंजिता क्या दूध पी रही हो? अच्छा बाद में यहाँ से केले भी खाना है ओके। हाँ मम्मी आधे रास्ते से देखिए ऑर्गेनिक सब्जी, ये सरसों के साग लाई है, बहुत ही टेस्टी बनते हैं। और ये क्या ड्राई फिश, देखिए दोस्तों ड्राई फिश लाई है फिर से मम्मी ने, यहाँ पे हमारे फेवरेट ड्राई फिश, ये देखिए यहाँ पे मैं भी अपने सब्जियाँ यहाँ रखता हूँ, शाम को खाऊंगा मैं ये कच्चे कच्चे बिल्कुल खाऊंगा मैं। अभी चलते हैं जेरी लोगों को, जेरी और दो दीदी लोग गए हैं, उन्हें सरप्राइज विजिट दूंगा, पूरा नदी में चुपके से जाके कैमरा से जाऊंगा ना, वाह करके आवाज करूंगा, देखूंगा उनका रिएक्शन। तो अभी पहुंचा हूं मैं रास्ते पे, नदी किनारे वाले रास्ते, अभी दीदी लोग के वहां पहुंचता ही हूंगा, जैसे पहुंचूंगा सरप्राइज। पहुंच गया हूं दोस्तों मैं लोकेशन पर, यहां पे दीदी लोग स्कूटी से आए थे ना, स्कूटी यहां पे रखे हैं, उनकी आवाज भी आ रही है, तो अभी चुपके से जाता हूं मैं। वहां रहा नदी दोस्तों, उधर में से आवाजें आ रही है दीदी लोगों की, जेरी लोगों की आवाजें आ रही है उधर से। अरे बाप रे काफी दूर में है वो लोग, और भी आगे में, और आगे जाता हूँ ना मैं, ऊपर ही से चुप चुप के जाता हूँ, या आज तो पूरा सरप्राइज देना है उन्हें। और यहाँ पे बकरियाँ चर रहे हैं, बहुत बड़े बड़े बकरियाँ हैं यार, बकरे बकरियाँ। एक्चुअली दोस्तों मेरा प्लान फेल हो गया, जेरी लोग तो है ही नहीं, वो तो दूसरे लोग है, दूसरे दीदी लोग है वो, मैं तो जेरी लोग को मतलब सरप्राइज देने के लिए आया था, और बापा पत्थर में फिसल के गिर गया मैं, जेरी लोग को तो मिला ही नहीं, वो लोग पता नहीं किस तरफ में गए हैं, ये लोग तो अलग वाले हैं, इसलिए मैंने उन्हें सरप्राइज नहीं किया ना, क्योंकि फटक से अगर दूसरों को दे दूंगा तो पत्थर भी पड़ सकते हैं मुझे। इसीलिए यहाँ देखिए दोस्तों बिल्कुल जंगल वाले रास्ते पे जाना पड़ रहा है मुझे, इधर सीधा सीधा, और इधर मैं पूरा खेत करने के लिए देखिए पूरा हल जोत दिया यहाँ पे ट्रैक्टर से, पूरा मिट्टी को जो है जोत के रख दिया, यहाँ पे शायद सरसों की खेत होगी शायद, और रोड रहा उधर में, मैं जा रहा हूँ इधर से शॉर्टकट, दीदी लोग को शायद आधे रास्ते पे मिल जाए इसी कारण। तो अभी मैं घर पहुंच गया हूं दोस्तों, और यहां के पता चला दीदी और जेरी जो एक्चुअली वो लोग गए ही नहीं थे स्नेल पकड़ने के लिए, मैं बेकार में चला गया, और वहां पे दूसरे लोग थे, अगर उन्हें मैं सरप्राइज कर देता तो पत्थर वत्थर भी पड़ सकते थे मुझे। एक्चुअली वो लोग भी हमारे गांव के, ये हमारे दीदी लोग और आंटी लोग गए हुए थे, और यहां पे देखो जेरी लोग वहां पे पानी लेने गए हैं, जेरी और दीदी। आजा आजा
माय बुज्जे, हाउ आर यू माय बुज्जे। भाई आजकल ये मजाक वजाक करना भी छोड़ दिया, बहुत उम्र हो गया इसका बुज्जे, नहीं तो पहले मैं बहुत खेलता कूदता था ना। अभी हम खाते हैं कल का बना हुआ, ये जो ट्रेडिशनल वाला स्वीट है ना, ये खाते हैं। यहाँ पे बुज्जे खाओगे? रुको हाँ, बुज्जे को भी देता है। ये स्वीट वाला नहीं देंगे, किसी ने कमेंट किया था मतलब ये डॉग लोगों को जो है स्वीट नहीं देना चाहिए ना, तो इधर वाला बिना स्वीट वाला थोड़ा सा एक टुकड़ा देता हूँ मैं अपने बुज्जे को। ये लो बुज्जे खाओ खाओ। फिर से जा रहा है। अरे यार इतना दूर में जाके मत खाओ, वही में खाओ। वाओ खा रहा है देखो बुज्जे। तस्ती लगा कि नहीं बुज्जे? लगा। बुज्जे अभी शाम हो चुकी है दोस्तों, और डिनर की तैयारी हो रही है। उधर जेरी टमाटर और अंडे पका रही है, और इधर में दीदी बीन लॉन्ग बीन को पका रही है। और ये जो मैंने तोड़ के लाया था, मैंने बोला था कि कच्चे खाऊंगा, लेकिन दीदी को पका के खाने का दिल हो रहा है तो इसलिए पकाएगी ये, तो पका के ही खाएंगे आज। और इसके साथ साथ सरसों के साग भी खाएंगे ना, सरसों के साग, ये वाले साग, बीन एंड अंडे और टमाटर की सब्जी भाजी। दीदी को देखिए, इसे निकाली है और इसे अपने ये लकड़ी वाला डंडा जो है, हम लोग इसे दालगास कहते हैं अपने लैंग्वेज में, उससे एकदम छोटे छोटे टुकड़े कर रही है। और इधर बाहर में मम्मी भगवान की पूजा कर रही है शाम को, हर वक्त मतलब सुबह शाम पूजा करती है मम्मी। अभी दोस्तों डिनर हो चुका है रेडी, पूरा सभी लोग खा रहे हैं, भूख लग रहा है बहुत जोर से ना, मुझे भी भूख लग रहा है, तो अभी खाते हैं। सब्जियों के नज़ारे एक बार दे देता हूँ दोस्तों। ये सरसों के साग बॉयल किया है, और हमारा वन एंड ओनली हमारा मिर्च की चटनी ड्राई फिश के साथ, और ये जो जंगली सब्जी मैंने तोड़ के लाए थे उसे दीदी ने पकाया है। मैंने तो कच्चा खाने के लिए बोला था, पर कोई बात नहीं, पकाया हुआ ही खाएंगे। और यहाँ पे है जेरी का बनाया हुआ टमाटर और अंडे का ये भाजी, इसे भी खाते हैं। और ये दीदी का बनाया हुआ, दीदी का पकाया हुआ लॉन्ग बीन की सब्जी, सब चीज़ में ड्राई फिश। हाँ ये हो गया दोस्तों अपना थाली रेडी, और सभी लोग खा रहे हैं। अब ये देखिए दोस्तों, जंगली सब्जी में ऐसे मिर्च मिलाना है, उसकी बात ऐसे बनाओ और ऐसे खाओ। एकदम स्वादिष्ट। आज मंजिता नहीं खा रही है क्योंकि उसको भूख लग रहा था, उसने पहले खा लिया, अभी कार्टून देख रही है जेरी के फोन पे, वो उधर बिस्तर पे। हमारा डिनर भी हो चुका है कंप्लीट, एंड बहुत पेट भर के खाया, सब्जियां बहुत ही अच्छे लगे आज, स्पेशली जो जंगली सब्जी था ना जो मैंने तोड़ा था, दीदी ने बहुत अच्छे से पकाया। एंड आज के लिए बस इतने, ब्लॉग को यहीं पे समाप्त करते हैं। आज का ब्लॉग तो मुझे नहीं लगता उतना खास हुआ होगा, आप लोग को पसंद आएगा कि नहीं आएगा पता नहीं, मुझे तो लग रहा है कि आप लोग को पसंद नहीं आएगा ना आज का वाला, क्योंकि उतना खास ही नहीं था ना। मैं मतलब रात भर में सोया नहीं, तो दोपहर तक मैं सोया, उसके बाद मैंने दोपहर के बाद ही अब फिर से ब्लॉगिंग स्टार्ट किया, तो उसका वजह से मैं उतना अच्छा कंटेंट नहीं बना पाया। फिर भी आई होप कि आप लोग को पसंद आया होगा, पसंद आया है तो लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए कैसा लगा, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा। तो मिलते हैं कल एक और नए ब्लॉग के साथ, बाय बाय।